नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान का सबसे शानदार यूट्यूब चैनल फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस मैथमेटिक्स के लिए। दोस्तों, हम यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सारा कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान का बेहतर कॉन्सेप्ट होगा। इससे शानदार और आसान कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। सबसे पहले आपको हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पर हमारी ट्रेनिंग क्लास है जिसमें कुल 19 वीडियो है, उसको ध्यान से पढ़ना है, उसका नोट्स बनाना है। यदि आप ट्रेनिंग क्लास करते हैं तो आने वाला हर चैप्टर आपको रिवीजन से लगेगा, हर चैप्टर का बेस क्लियर हो जाएगा। किसी भी एग्जाम को देने जाते हैं तो 10 से 12 क्वेश्चन हमारे ट्रेनिंग क्लास में से आएगा। आपका दिमाग और हमारा दिमाग आपस में कनेक्ट हो जाएगा, जिससे हम आगे किसी भी चैप्टर को समझाते हैं आपको 100% समझ में आएगा। इस ट्रेनिंग क्लास के अलावा कोई ऐसा विकल्प नहीं है जिससे कि एक कमजोर छात्र 100% में सीख सके। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि देश में जितने भी कमजोर छात्र हैं उन तक आप हमारी वीडियो को शेयर करेंगे। ट्रेनिंग क्लास को पढ़ने के बाद आपको परसेंटेज चैप्टर पढ़ना है, परसेंटेज में कुल 13 वीडियो है। उसके बाद प्रॉफिट लॉस पढ़ना है, प्रॉफिट लॉस में भी कुल 13 वीडियो है। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना है, सिंपल इंटरेस्ट में कुल 7 वीडियो है। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है, कंपाउंड इंटरेस्ट में कुल 9 वीडियो है। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ना है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कुल 17 वीडियो है, जिसमें आयु संबंधी प्रश्न और मिक्सचर एलिगेशन का भी कंसेप्ट बताया है। उसके बाद पार्टनरशिप पढ़ना है, पार्टनरशिप में कुल 3 वीडियो है। उसके बाद टाइम एंड वर्क पढ़ना है, टाइम एंड वर्क में कुल 10 वीडियो है। उसके बाद पाइप एंड सिस्टर्न पढ़ना है, पाइप एंड सिस्टर्न में कुल 7 वीडियो है। उसके बाद ट्रेन टाइम डिस्टेंस रेसेस पढ़ना है, जिसमें 12 वीडियो है, और भी वीडियो आने वाली है कल परसों तक। उसके बाद आपको बोट एंड स्ट्रीम पढ़ना है, जिसमें आज पहली क्लास है। इससे पहले आप सारी क्लास को पढ़ के आएंगे आपको मैथ्स 100% समझ में आएगा। जो भी चैप्टर पीछे समाप्त हो गए हैं सारे समय समय पर अपडेट होंगे। जितने भी टफ से टफ क्वेश्चन हैं, जितने भी आपके डाउट हैं, जितने भी मिसलिनियस क्वेश्चन हैं, सारे समय समय पर लिए जाएंगे। आपके डाउट तभी लिए जाएंगे यदि आप हमारी हर वीडियो को पढ़ते हैं, हर वीडियो का नोट्स बनाते हैं, हर वीडियो पर कमेंट करते हैं और हर वीडियो को शेयर करते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज बोट इन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट। देखिएगा ध्यान से, बोट इन स्ट्रीम पहले से पढ़ने से पहले आपके दिमाग में इमेज बननी चाहिए कि नदी एक होगी, एक ऐसी नदी होगी जिसमें नाव स्टीमर चल रही होगी। एक छोटा सा क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। यदि नदी में कोई नहीं है, कोई नहीं है, मान लीजिए तालाब है, तालाब, तो तालाब में धारा नहीं होती है, धारा नहीं होती है। यदि हम एक नाव को तालाब में रख दें तो नाव वहीं की वहीं रहेगी, थोड़ा हिलेगी डोलेगी, ठीक है ना, नाव वहीं की वहीं रहेगी। लेकिन इसके विपरीत एक नदी में यदि हम एक नाव, एक नदी जिसमें धारा हो उसमें नाव को रख दें, नाव को हम डाल दें, तो नाव कुछ आगे चलेगी, कुछ आगे चलेगी। क्यों चलेगी? धारा की वजह से। जबकि एक तालाब में नाव स्थिर थी। यदि हम तालाब में नाव को चलाते हैं अपने बल से, इंजन के बल से, अपने पतवार से, तो उसको बोलते हैं शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल क्या बोलते हैं? नाव को आदमी किस रफ्तार से चला सकता है, स्टीमर किस रफ्तार से चला सकती है, समझ में आया? इसके विपरीत यदि हम एक एक कॉन्सेप्ट देखिए ध्यान से, यदि हम इस नदी में यहां पे एक नाव को छोड़ दें तो नाव इधर जाएगी या नाव इधर जाएगी? पहले क्वेश्चन का जवाब आपको यह देना है। बिल्कुल करेक्ट, नाव इधर जाएगी, ठीक है ना। मान लीजिए ना, तो इसमें इंजन लगा है और न ही इसमें आदमी बैठा है, तो नाव इधर जाएगी तो किसकी वजह से जाएगी? बिल्कुल करेक्ट, सही बोल रहे हैं आप, धारा की वजह से, धारा की वजह से, समझ में आया? धारा की वजह से नाव इधर आएगी। माना कि धारा की चाल वाई है, धारा की चाल वाई है, ठीक है। ये एक्स वाई से कोई नाता रिश्ता नहीं रहेगा, अब बस समझाने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है ना। एक्स वाई से आप ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। अभी आपने बताया है कि नाव यहां पे छोड़ देंगे
तो नाव इधर आएगी, नाव में ना तो इंजन है ना नाव में आदमी है, तो धारा की चाल की वजह से, धारा की चाल से इधर आएगी। समझ में आया? यदि हम इसमें एक आदमी बैठा दें, और अपनी लाठी से, पतवार से नाव को इधर ढकेलने की कोशिश करेगा, मान लीजिए धारा योगदान नहीं देती है, धारा स्थिर है, तो आदमी जिस वजह से नाव को, जिस ताकत से, जिस क्षमता से नाव को आगे बढ़ाएगा, उसको बोलते हैं शांत जल में नाव की चाल, बोलते हैं। समझ में आया है? मान लीजिए एक से, एक छोटा सा क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। मान लीजिए कि आदमी अपनी ताकत भी लगा रहा है और इंजन भी अपनी मदद लगा रहा है, आदमी अपनी ताकत का प्रयोग कर रहा है और धारा भी अपनी ताकत का प्रयोग कर रही है, तो नाव इधर जाएगी तो तेजी से जाएगी या धीरे से जाएगी, ये आपको बताना है। तेजी से जाएगी। तेजी से क्यों जाएगी? क्योंकि आदमी भी अपनी ताकत का प्रयोग कर रहा है और धारा भी अपनी ताकत का प्रयोग कर रही है, तो इसको बोलते हैं, हम डाउन स्ट्रीम की चाल, जल धारा के साथ, ठीक है ना, डाउन स्ट्रीम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ चाल, समझ में आया है? बातों को समझिएगा। बोनटेन स्ट्रीम, आज पढ़ते हैं कल भूलता है, इसका कारण यही है कि हमारे पास शब्दावलियों में इतनी ताकत नहीं होती है, इतनी पकड़ नहीं होती है कि हम क्वेश्चन को पढ़ के शब्दावलियों को ठीक तरीके से समझ पाए। समझ में आया? देखिए, धारा की चाल वाई है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम बोलते हैं, और इसको बोलते हैं नाव की चाल, स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, ठीक है, ये वाई है, एक से, जब इधर जाएंगे तो डाउन स्ट्रीम की चाल कहलाती है। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि धारा का योगदान और नाव का योगदान, समझ में आया है, सहायता, धारा का सहायता। तो इधर जाएंगे तो आपकी स्पीड हो जाएगी एक्स प्लस वाई, क्यों होगी? हाँ बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि धारा भी सहयोग दे रहे हैं और नाव भी सहयोग दे रही है। यदि हम इधर जाएं धारा के विपरीत, तो इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम, समझ में आया है? धारा के विपरीत चाल बोलते हैं। तो इधर जाएंगे तो आदमी अपनी ताकत लगाएगा लेकिन धारा उसकी विपरीत विरोध करेगी, तो इधर जाते वक्त आपकी चाल हो जाएगी एक्स माइनस वाई, समझ में आया? आदमी ताकत लगाएगा लेकिन धारा उसकी विरोध करेगी, इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम, समझ में? यदि आप इधर जाते हैं तो अपस्ट्रीम होता है, ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो अपस्ट्रीम, और नीचे की तरफ आते हैं तो डाउनस्ट्रीम बोलते हैं। सबसे पहले चार शब्दों को सुन लीजिए, धारा की चाल होगी, आदमी किस रफ्तार से नाव को चला सकता है बिना धारा के सपोर्ट के, शांत जल में नाव की चाल कहते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स वाई से कोई नाता रिश्ता नहीं रहेगा, क्वेश्चन बस समझाने के लिए बोल रहा हूं। इधर जाएंगे तो धारा सपोर्ट करेगा, तो जाते वक्त आपकी स्पीड तेज होगी, डाउन स्ट्रीम की चाल बोलते हैं, धारा के साथ साथ चाल कहते हैं, इसको बोलते हैं धारा के साथ साथ चाल। इधर जाएंगे तो धारा विरोध करेगा, इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम की चाल, एक्स माइनस वाई होता है। इतना बात समझ में आ गया ना? तो इस डायग्राम को मैं डिलीट करता हूं, आप बना लीजिए। देखिए, नाव धारा एक कठिन चैप्टर स्टूडेंट्स के लिए होता है क्योंकि शब्दावलियों पे पकड़ नहीं होती है। अभी आपने सीखा कि डाउन स्ट्रीम बराबर होता है एक्स प्लस वाई और अप स्ट्रीम का मतलब होता है एक्स माइनस वाई, एक्स वाई से कोई मतलब नहीं रहेगा अभी क्वेश्चन करते वक्त, समझ में आया? धारा के साथ साथ चलेंगे तो आदमी के साथ
शांत जल में नाव की चाल के साथ धारा योगदान करेगा, वायु योगदान करेगा। जब इधर जाएंगे अपस्ट्रीम की तरफ तो आदमी की चाल में यानी शांत जल की नाव की चाल में धारा विरोध करेगा। यदि हम दोनों को जोड़ दें तो हो जाएगा डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम अपस्ट्रीम, और ये वाई से वाई कट जाएगा, 2x हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। जहां पे x है क्या, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, स्टील वाटर है ठीक है ना, शांत जल में नाव की चाल है, शांत जल में नाव की चाल है। एक बार समझ लीजिए फिर से, क्योंकि जब क्वेश्चन करेंगे तो हम एक्स वाई का प्रयोग नहीं करेंगे। दिमाग में बिठा लीजिएगा कि डाउन स्ट्रीम की चाल पता है और अप स्ट्रीम की चाल पता है तो दो किससे भाग दे देंगे तो शांत जल की नाव निकलेगा, शांत जल में नाव की चाल निकलेगा। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया ना, बहुत बढ़िया। धारा के साथ साथ चाल, धारा के विपरीत चाल में दो से भाग दे देंगे जोड़ के तो शांत जल में नाव की चाल निकलेगा। ये बात क्लियर होना चाहिए, समझ में है। क्वेश्चन करते वक्त इसका प्रयोग मैं नहीं कराऊंगा, तो इसीलिए अपने दिमाग में सेट कर लीजिए सारी चीजें। आप जानते हैं कि डाउन स्ट्रीम की चाल बराबर एक्स प्लस वाई होता है, अप स्ट्रीम की चाल एक्स माइनस वाई होता है। यदि हम इस इक्वेशन को घटाएं तो घटाने पे ये चिन्ह बदल जाता है, समझ में आया है। ये हो जाएगा डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम, और ये वाई से वाई एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो 2y हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2, समझ में आया है। y क्या है, धारा की चाल है, y क्या है, धारा की चाल है, धारा की चाल, धारा की चाल है ना, स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोलते हैं। धारा की चाल निकालने के लिए डाउन स्ट्रीम की चाल में अप स्ट्रीम घटा के दो से भाग देना होता है। ये डाउन स्ट्रीम होता क्या है, धारा के साथ साथ नाव चल रही है, आदमी का सपोर्ट प्लस धारा का सपोर्ट को डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। अप स्ट्रीम का मतलब है आदमी की चाल में धारा विरोध किया है, ठीक है ना। तो ये आपको दिमाग में सेट होना चाहिए। अब मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, सबसे आसान क्वेश्चन जो कि नहीं बोलना चाहिए, और देखिएगा बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर देंगे क्योंकि हमारा 5 साल पढ़ाने का अनुभव है, हम क्लास में भी बोलते हैं तो स्टूडेंट गलत नहीं, आप लोग गलत नहीं करेंगे, ठीक है ना। लिखिए, एक नाव की शांत जल में चाल, एक नाव की शांत जल में चाल 77 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक नाव की शांत जल में चाल 77 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक नाव की शांत जल में चाल 77 किलोमीटर घंटा है, धारा की चाल स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर, धारा के साथ नाव की चाल क्या होगी, धारा के साथ साथ ब्रैकेट में लिख लीजिए डाउन स्ट्रीम में नाव की चाल क्या होगी, डाउन स्ट्रीम में नाव की चाल क्या होगी। दूसरा प्रश्न, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगी, धारा के विपरीत ब्रैकेट में लिख लीजिए अप स्ट्रीम में नाव की चाल क्या होगी। कमेंट कीजिएगा यदि आंसर आता है तो, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन ये है, यदि आप पहली बार प्रश्न कर रहे हैं, नाव धारा पहली बार पढ़ रहे हैं, तो हर क्वेश्चन को फिगर बना के करेंगे। जब आप दूसरी तीसरी बार पढ़ने लगेंगे तो फिगर नहीं भी बनाएंगे तो काम चलेगा, पहली बार फिगर बनाना है, समझ में आया कि नहीं। नाव की चाल है, नाव की चाल है
77 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। तो इधर जाने वाली स्पीड को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। धारा के साथ साथ चाल। तो इधर जाएंगे तो आपकी स्पीड 77 तो होगी ही होगी, 6 भी होगी, यानी कि 83 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। समझ में आया है? 77 तो होगा ही होगा, 6 भी होगा, समझ में आया? इधर जाने वाली चाल को बोलते हैं अपस्ट्रीम। क्या बोलते हैं? अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब धारा के विपरीत दिशा में चाल। तो इधर जाएंगे तो आपकी स्पीड 77 नहीं हो पाएगी, 77 नहीं रह जाएगी, क्योंकि धारा आपका विरोध करेगा। कितना विरोध करेगा? 6 विरोध करेगा। तो 6 घटा देंगे तो आपकी इधर की चाल हो जाएगी 71 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया है या नहीं आया? हाथ खड़ा करेंगे कितने लोगों को समझ में आ गया है, या पूरा देशवासी, देश के छात्र हाथ उठा दिए हैं। आप सभी लोगों का अभिवादन मैं स्वीकार करता हूं, ठीक है ना। मिलूंगा सभी लोगों से, है ना। आऊंगा आपके गांव में। लिखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर दूसरा। एक नाव धारा की दिशा में 150 किलोमीटर की दूरी, एक नाव धारा की दिशा में 150 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करती है। एक नाव धारा की दिशा में 150 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करती है, जबकि धारा के विपरीत इतनी ही दूरी 15 घंटे में तय करती है। धारा के विपरीत 150 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करती है। क्वेश्चन नंबर पहला। शांत जल में नाव की चाल बताएं। दूसरा प्रश्न, धारा की चाल बताना है। ध्यान से देखिएगा, एक नाव जब इधर जाती है तो 150 बहुत जल्दी 10 घंटे में पहुंच जाती है, समझ में आए? और नाव इधर जाती है तो 150 जाने में 15 घंटे लग जाते हैं, समझ में आए? 15 घंटे लग जाते हैं। बातों को समझिए, कि जब इधर जा रहे हैं तो कम समय क्यों लगा है? क्योंकि धारा ने आपका सपोर्ट किया है। इधर जा रहे हैं तो आपको टाइम ज्यादा क्यों लग रहा है? क्योंकि धारा ने आपका विरोध किया है। उधर धारा ने योगदान दिया है और इधर धारा ने विरोध किया है। आते वक्त दूरी बटे में समय चाल बनाता है, तो आते वक्त आपकी स्पीड है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। इधर जाते वक्त आपकी चाल है दूरी बटे में समय, इधर चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, समझ में आया? इस 15 में आदमी की चाल का भी योगदान है, धारा का भी योगदान है। शांत जल में नाव की चाल है, धारा ने योगदान दिया है, धारा ने सपोर्ट किया है, धारा ने सहायता किया है, इसीलिए 15 चाल है। इधर धारा ने विरोध कर दिया है, इसीलिए चाल कम हो गई है। तो आप जानते हैं शांत जल में नाव की चाल, समझ में आया? देखिए, जो भी स्टार टीचर होता है ना, उसकी हैंडराइटिंग खराब होती है। तो जो भी स्टार टीचर होता है उसकी हैंडराइटिंग खराब होती है, आप समझने की प्रयास करें, इसलिए राइटिंग पर ध्यान नहीं देना है ना। शांत जल में नाव की चाल होती है 15 + 10/2 बराबर 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा, समझ में है? धारा की चाल पूछता है तो धारा की चाल हो जाएगी 15 - 10/2 बराबर हो जाएगा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, समझ में आया कि नहीं? 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, ये 15 क्या है,
धारा ने सपोर्ट किया है तो 15 आया है, इधर 10 क्यों हो गया है, धारा ने विरोध किया है। तो वही आपको बताना है कि शांत जल में जो आदमी की औकात है, आदमी किस रफ्तार से नाव को चला सकता है, वो क्या है, तो ये है 12.5। धारा ने यदि सपोर्ट किया है तो कितने से किया है, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। दिमाग में सेट कर लीजिए कि डाउन स्ट्रीम की चाल अप स्ट्रीम की चाल को 2 से भाग देने पे मिल जाता है शांत जल में नाव की चाल, और यहां माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा धारा की चाल। समझ में आया कि नहीं आया, बहुत बढ़िया। लिखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक नाव धारा की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी 6 मिनट में तय करती है, जबकि धारा के विपरीत 1 किलोमीटर की दूरी 7.5 मिनट में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल बताएं। एक नाव धारा की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी 6 मिनट में तय करती है, जबकि धारा के विपरीत 1 किलोमीटर की दूरी 7.5 मिनट में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल बताना है। ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को मैं 2 मेथड से बताऊंगा। एक मेथड आपको सीखना है, जो पहला वाला बताऊंगा ना वो आपको जानना है कैसे अटैक जल्दी से किया जाता है। जब नाव इधर जाती है तो 6 मिनट लगते हैं तो 1 किलोमीटर जाती है। समझ में आया है, इधर 1 किलोमीटर जाने में 6 मिनट लगता है और इधर 1 किलोमीटर जाने में 7.5 मिनट लगते हैं। समझ में आया है, 1 किलोमीटर इधर जाती है, इधर आती है तो 6 मिनट लगते हैं और इधर 1 किलोमीटर जाती है 7.5 मिनट लगते हैं। नाव को 1 घंटा चलाइए, बातों को समझिए। यदि हम 60 मिनट चलाएं इससे 10 गुना टाइम दें तो नाव 10 गुना यानी कि 10 किलोमीटर जाएगी। 6 मिनट में इतना तो 10 गुना टाइम में 1 घंटे में 10 गुना जाएगी यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल हो गई। नाव की क्या हो गई, चाल हो गई इधर की चाल, डाउन स्ट्रीम की चाल हो गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 मिनट का मतलब है 1 घंटा, 1 घंटे में 10 किलोमीटर, तो इसी को बोलते हैं हम 10 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया है, ये 60 मिनट कैसे हो गया, क्योंकि 60 मिनट में 1 घंटा होता है। 10 गुना टाइम दे दीजिए, यदि हम इसको 60 मिनट टाइम दे दें 7.5 चलती है, 7.5 मिनट में 1 चलती है तो इसको 8 गुना टाइम दे दिया जाए, 8 गुना तो नाव 8 गुना जाएगी, 60 मिनट में 8 किलोमीटर जाएगी। समझ में आया, 60 मिनट में चली गई दूरी को ही किलोमीटर प्रति घंटा बोलते हैं, 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। समझ में आया, जाने वाली स्पीड है 10, डाउन स्ट्रीम की चाल है 10, अप स्ट्रीम की चाल है 8, तो दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा शांत जल में नाव की चाल, और 10 में से 8 को घटा के 2 से भाग देंगे तो 1 किलोमीटर हो जाएगी धारा की चाल। समझ में आया है, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम निकाल के भाग दे दिया। यदि आप सीख लेंगे तो टाइम बहुत ही कम लगेगा। समझ में आया, हम सिखाना चाहते हैं, आपका कॉन्सेप्ट बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए हमें करने में समझ ज्यादा लगता है। समझदार है कि नहीं आप लोग, बहुत बढ़िया। व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए,
इस नंबर को ऐड कीजिए, अपने गांव के सारे छात्रों को जोड़िए, समझ में आया? ये नंबर है फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस के नाम से, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, उसमें मेरा नंबर जोड़िए और अपने गांव के सारे मित्रों को जोड़ दीजिए। देखिए बात वही है, हमने बस थोड़ा सा एक अप्रोच देना चाहता था, एक आपको तरीका देना चाहता था, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते थे कि 1 किलोमीटर जाती है 60 मिनट में, 6 मिनट में, तो इसको हम 60 से भाग देते कि नहीं, दूरी बटे में समय चाल बनाता है, तो ये हो जाता आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा, समझ में आया? दूरी बटे में समय चाल बना देता। इधर 1 किलोमीटर जाते हैं 7.5 मिनट में, तो 7.5 को 60 से भाग देंगे, दूरी घंटे में बदलने के लिए, 7.5 मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग दिया गया, तो ये आ जाता आपका 8, समझ में आया? ये 60 ऊपर चला जाएगा, तो 10 क्या हो गया डाउनस्ट्रीम की चाल और ये हो गया अपस्ट्रीम की चाल, बाकी 10 + 8 दो से भाग देंगे तो 9 किलोमीटर घंटा हो जाएगी शांत जल में नाव की चाल, और 10 - 8 बटे में 2 धारा की चाल हो जाएगी 1 किलोमीटर घंटा। मुझे उम्मीद है कि सारे के सारे छात्रों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है? आगे हम लोग दूसरी वीडियो में आगे का क्वेश्चन करते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपने वीडियो को देख लिया, तुरंत अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, सभी जगहों पर शेयर कर दीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।